तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुभराज ग्रुप में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अजीत सर। तो अजीत सर ने दोस्तों आज हमें कॉल किया, इमरजेंसी में हमें बुलाया मिल पर। तो अजीत सर, आखिर रीजन क्या है, आखिर क्या सरप्राइज है? आज पहले सबको सुभराज ग्रुप की तरफ से नमस्कार, सबको जय आदिवासी जय जवान। तो बात ऐसे फिलीप भाई, ये आपको पता है चौथा नंबर का बैंड है अपना जी जी तो वो मैंने थोड़ा लो बजट में बनाया था लोगों के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये बैंड लाइन में लोगों की सोच क्या है वो, क्योंकि अभी 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 बैंड लाइन में हमको 8 महीने का करियर है, उसमें बहुत सारा पता चलता जा रहा है क्या होता है क्या हो रहा है। तो लो बजट के लिए अभी 55,000 में मैं फुल साउंड के साथ में या फुल लाइटिंग के साथ में बैंड नहीं दे सकता हूँ 55,000, और मैं 90,000 या 85,000 का हूँ बड़े जो एक दो तीन जो पार्टी है हमारी तो उसका इतना पैसा लेते हैं। तो 55,000 और 85,000 या 90,000 का तो डिफरेंस बहुत है ना जी। जी सही। तो हम बैंड भी वैसा ही देंगे, तो लोगों को ज्यादा क्राउड साउंड चाहिए था, कम बजट में ज्यादा साउंड चाहिए था। जी कम बजट में ज्यादा साउंड चाहिए था जी। फिलीप भाई, मैंने सोचा कि यार ऐसा ये दिक्कत हो रहा है, तो मैंने सोच के है ना पूरा साउंड ही चेंज कर दिया, सुभराज फोर का सुभराज फोर का साउंड चेंज कर दिया और साउंड ही चढ़ा दिया दूसरा। तो अभी आपने सुभराज फोर में जो साउंड था वो चेंज कर दिया, अभी नया साउंड आ गया है, नया साउंड आके पूना वाला साउंड है वो चढ़ा दिया है, और जैसे सुभराज 1 2 3 है वैसा फोर का भी कर दिया है, और रेट भी वही रहेगा जैसे 1 2 3 वाला बैंड का जो रेट है वही रहेगा। तो गाइस, आपने सुना कि अजीत सर ने सुभराज फोर में नया साउंड चढ़ा दिया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों अभी बैंड तो यहाँ पर ही खड़ी है, हम जाके थोड़ी देर में शूटिंग करेंगे, तो रेट उसका थोड़ा अभी तो रेट अभी हाई जाएगा, अभी आज भी प्रोग्राम है और मेरे दोस्त के घर में ही गांव में ही है, मेरे दोस्त का घर में ही है, मतलब मेरे वास्ता तालुका में डोलवन। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं जी जी जी, नया साउंड के साथ में और नए अभी आर्टिस्ट भी अभी नए भरेंगे, क्योंकि अभी मैंने एडजस्ट किया है आज के दिन के लिए। तो सुभराज फोर में अभी नया आर्टिस्ट चाहिए। हाँ, आर्टिस्ट है ना, पूरे स्टाफ मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था, मुझे वो अभी भेजा था, तो पुराने वाले जो आर्टिस्ट थे जितने जो भी आपको पता है जो भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है उसको हम सुभराज में रखते नहीं है, अभी तक बहुत सारे लोग निकल गए हैं जी जी। हमने पैसा दिया है एडवांस, फिर भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो भी निकल दिया है, तो मेरा बैंड का नाम नहीं खराब हो इसलिए हमने लोग अच्छे अच्छे लोगों लड़के को भरा हूँ मैंने। तो सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा, अभी सुभराज फोर में ठिंगरी वाले चाहिए कीबोर्ड मास्टर सिंगर के क्या चाहिए बोल, सभी डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, जो भी आना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर ऑलरेडी आप डाल देना है भी यूट्यूब पे जी जी, तो मुझे संपर्क करें, और मुझे जरूरत है अभी 6-7 तारीख से और 10 तारीख तक लगातार प्रोग्राम उसका है सुभराज फोर का। तो सर अभी जो भी तो दोस्तों जो भी कोई आना चाहते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस सर को कोई कीबोर्ड मास्टर होगा, कोई सिंगर होगा, ठिंगरी वाला होगा, तो दोस्तों आप आ सकते हो और जिस सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले लोग कह रहे थे कि सुभराज नहीं चलेगी इस तरह से सुनने में आया था, तो लेकिन अभी जोरदार सभी चारों के चारों बैंड चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, लोगों का तो कहना है और बोलना है, हमको तो चलना है, चलते रहेंगे। और जब भी मैं सुन रहा था वो बात, आप भी बोल रहे, दूसरे लोग भी ऐसे आके मेरे फ्रेंड लोग बोलते थे कि ये बैंड वाला वो बोलता था, उसको छोड़ो साइड में, वो जब भी बोलते थे तब भी हमारा बैंड चल रहा था। अभी तो 1 से 4 प्रोग्राम तो निकल दिया, जब से मैंने 8 महीने पहले बैंड निकाला था अनाउंस किया था, उसके बाद में पहला प्रोग्राम साकरी में, कि आज भी याद है मुझे, साकरी तालुका में विजापुर में हम साथ में गए थे शायद, तो और बारिश में प्रोग्राम किया था तब से, तो अभी तक हमने सभी बैंड का 104 प्रोग्राम बुकिंग, मतलब 104 प्रोग्राम कर दिया है। तो अभी तो सुभराज का हाउसफुल चल रहा है, अभी सुभराज हाउसफुल चल रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं बोल सकता कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं, नहीं मत बोलो ऐसा तो नहीं बोल सकता, जिसका इसका विचार श्रेणी रहता है, ऐसे कमेंट तो आती है, कमेंट से कुछ ये नहीं है, और मुझे बैंड ही मेरा लाइफ नहीं है,
या किसी का लाइफ नहीं है, कभी भी बैंड बंद हो जाएगा उसका गारंटी नहीं, फिर भी हमने अभी भी बैंड बंद कर देंगे तो लोग बोलेंगे यार क्या है, वो पीछे पड़ जाएंगे, अपने पीछे पड़ जाएंगे, सोने भी नहीं देंगे। और मुझे इतना भी पता है कि बैंड में मैं बहुत सारे लोगों को है ना खराब रास्ते पे लेके जा रहा हूँ, जरूर माफ करना पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार मैंने कदम रख दिया और पीछे हट जाऊंगा तो उसका नतीजा भी मेरे को है ना पता है, नतीजा को क्या होने वाला आप लोगों को भी पता है, और हमारे फैन भी इतने जुड़ चुके हैं वो भी बहुत नाराज हो जाएंगे। हम सर के साथ रहते हैं, वैसे सर के पास तो 5 मिनट में फोन आता ही रहता है फोन चालू ही रहते हैं, भाई सुब्रज का प्रोग्राम है ये बैंड। तो गाइस आज सुब्रज 4 का न्यू साउंड के साथ आज प्रोग्राम है डोलन विस्तार में अमनिया गांव में, जो भी डोलन विस्तार का वो आ जाना, क्योंकि अभी जैसे आप लोग देखेंगे साउंड वैसे और प्रोग्राम आएंगे सुब्रज 4 और प्रोग्राम आएंगे, और हम ज्यादा तो बड़ी बड़ी बात करेंगे नहीं वीडियो पे आके, लेकिन जरूर है ना उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस लाते रहेंगे। और सुब्रज कभी किसी भी चीज में जो प्रोडक्ट है कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी पीछे नहीं हटता है, वैसे बैंड में भी पीछे नहीं हटेंगे, जो भी कमेंट करते हैं उसको हम बोल के नहीं बताएंगे, लेकिन जरूर उसका है ना रिजल्ट मिलेगा, आप फिक्र मत करें देखते जाओ आगे। और हमें पता नहीं था दिनेश भाई, हमें पता नहीं था कि सुब्रज 4 में नया साउंड आ गया है, जैसे ही सर ने हमें सरप्राइज ही दे दिया। अभी अभी ये टाइम पे हम बहुत बिजी है, हमारे मार्च चल रहा है, फिर भी मुझे सब काम छोड़ के है ना बैंड के पीछे पड़ना पड़ा है, क्योंकि भैया सहन नहीं होता मुझे, कुछ भी बोलते रहते हैं ना तो उसके ऊपर मैं तुरंत निर्णय ले लेता हूँ, इसलिए मैं साउंड भी अभी साउंड हमारे पास इनफ है, फिर भी हमने साउंड नया क्यों लाए है, कुछ उसका रीजन हो सकता है, कुछ न कुछ रीजन है, इसलिए हम साउंड भी नया हमने बुकिंग कर दिया है, बाकी साउंड आ भी गया है, जैसे जैसे एक एक बैंड में हम चढ़ाते जाएंगे। अभी मेरे आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये इनफ है, अपन को कहाँ टक्कर लेना है, ये क्लियरिटी में बज रहा है, सब ये हो रहा है, सर क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं तो अगले साल के लिए हमने लाके रख दिया है, बाकी स्टॉक में रख दिया है। हाँ, स्टॉक में रख दिया। तो ओके, अभी पूरा स्टाफ से मिलवाएंगे जी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड मास्टर या कोई भी अगर आप बैंड में बजाते हो तो अजी सर का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं, और इमरजेंसी में हमको ये आर्टिस्ट लोग चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम चालू है ना ऑलरेडी जी, इसलिए। और जो भी आर्टिस्ट अच्छा रहेगा उसको ही लिया जाएगा, जो आर्टिस्ट कमजोर है उसके लिए हम चांस देंगे कि आप सुधर जाओ या आप सीख जाओ, हम चांस देते हैं बार बार, ये सुब्रज किसी को बार बार सामने से निकल नहीं देता है, उसको जाना पड़ता है क्योंकि आता नहीं इसलिए वो निकल जाता है। परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो उसका जगह सुब्रज में नहीं है। हम इतने सारे दिन है ना प्रैक्टिस कराने के बाद में भी ध्यान नहीं देता वो कारीगर, यहाँ सुब्रज में नहीं चलता, अभी तक का सफर आपने देखा होगा। ठीक है, सबको बाय बाय, थैंक यू सर, मिलते हैं, मिलते हैं।